हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च भर के। तो अभी हम उबालने के लिए आलू रख देते हैं, तो इसमें अभी पानी डाल रहे हैं हम अभी, और इसको अभी गैस पे रख देंगे उबलने के लिए। आलू हमारे जब उबल जाएंगे तो इनको हम फोड़ के भरता बना लेंगे, फिर बनाएंगे हरी मिर्च। जब तक दोस्तों हमारे आलू उबल रहे हैं, तब तक हम मसाला पीस लेते हैं आलू में डालने के लिए। दोस्तों तो जो मज़ा सिलवट पे है मसाले का, वो मिक्सी में नहीं है। सिलवट का मसाला अच्छा लगता है और मिक्सी में सारा स्वाद चला जाता है मसाला का। तो दोस्तों हमारा मसाला पिस गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो तब तक हमारे आलू उबल रहे हैं, तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। ये हमारा बेसन है, इसको छान लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा बेसन बाहर भी गिर रहा है। तो दोस्तों हमने बेसन छान लिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। ये बेसन जो गिर गया है इसको हम साफ़ कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि आलू में भी डालेंगे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा ही डाला है। पानी डालेंगे, बना लेंगे अच्छे से घोल। तो दोस्तों हमारा घोल बन गया है, अब हम काट लेते हैं मिर्च भरने के लिए। इसमें भरेंगे आलू। अभी आलू हमारे उबले नहीं हैं, उबल रहे हैं और हमारा घोल बन के रेडी है। बस मिर्च काट लेते हैं और आलू उबल जाते हैं तो आलू का भरता बना लेंगे। फिर उसके बाद हम भूंजेंगे मिर्च। आप लोगों को खाना हो तो आ जाओ जल्दी से, वरना हम तो खा ही जाएंगे। तो दोस्तों मिर्च हमारे कट गए हैं, अब देखते हैं आलू उबल गए या नहीं। तो आलू उबल के रेडी हैं, तो इनको हम अब छील लेते हैं। तो दोस्तों आलू अभी गर्म है, फिलहाल हम छील लेते हैं, वरना बहुत टाइम लगेगा अब इनको ठंडे होने में, इसलिए हम छील लेंगे गरम गरम ही। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आलू छील लेते हैं, गरम गरम गरम, बहुत गरम है आलू। तो दोस्तों आलू हमारे छिल गए हैं, अब इनको हम फोड़ लेंगे। तो पानी अब हो गया ठंडा, साइड में रख देते हैं इसको। आलू अभी भी गर्म है। तो दोस्तों आलू हमारे देखो कैसे दिख रहे हैं, जैसे लग रहा अंडे हैं, वाइट वाइट बिल्कुल। तो दोस्तों आलू फोड़ लेते हैं, मगर आलू तो बहुत गर्म है, उंगली जल रही है हमारी, गरम गरम है। तो कुछ दिमाग लगाते हैं, इसको किसी और चीज़ से फोड़ते हैं। तो दोस्तों हम इसको फोड़ेंगे गिलास से, हाथ ना जले हमारे। तो दोस्तों आलू हमने फोड़ लिए हैं, अब इनको चलते हैं लेकर कढ़ाई की ओर। कढ़ाई हमारी गरम हो गई, इसमें डालेंगे तेल। तेल हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हरी। तो दोस्तों हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। इसको थोड़ी देर भून लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे आलू।
तो दोस्तों प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू कच्चा लो बेटा, कहाँ गए थे, कहाँ गए हो, सामने आ जाओ। आलू आ गया सामने, अब इसको इसमें हम भून लेंगे। तो जो हमने दोस्तों मसाला पीस के रखा था उसको भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आलू भी हमारा भुन गया है, इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो आलू को निकाल लिया है दूसरे बर्तन में, अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे तेल गरम होने के लिए। तेल जब तक गरम होगा तब तक हम मिर्च भर लेंगे। तेल को ऐसे ही छोड़ दिया है, गरम होता है तब तक हम मिर्च भर लेंगे। तो दोस्तों हमारी मिर्च भर गई है और आलू भी बच गया है, तेल भी हमारा हो गया है, तेल में पका लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से पक रहे हैं, ये तो पलट भी नहीं रहा है, नखरे कर रहा है। तो दोस्तों मिर्च पक गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं थाली में। तेल निचोड़ के निकालेंगे वरना अच्छे नहीं लगेंगे। ये थोड़ा भी कच्चा है, इसको पका लेते हैं, ये नखरे कर रहा है, इसको दाब के पकाएंगे।
तो दोस्तों मिर्चे हमारे बन गए हैं और आलू बचा था उसकी अब हम टिक्की बना लेते हैं। मिर्चे सारे बन गए तो अब हम टिक्की बनाएंगे। थोड़ा आलू बच गया था तो आलू की टिक्की भी बन गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों टिक्की भी बन गई। अब हम खा के बताते हैं टिक्की और मिर्च कैसे बने हैं। तो अभी हम चलते हैं खाने। तो अभी हम आ गए हैं छत पे। अब खा के बताएंगे मिर्च कैसी बनी है। और पीछे हमारे पिल्लू भी आए हैं छत पे पीछे पीछे। तो मिर्च तो बहुत अच्छी बनी है। अब हम खा के बताते हैं टिक्की कैसी बनी है। टिक्की दोस्तों बहुत गर्म है। मिर्च हल्के ठंडे हो गए थे। पिल्लू को थोड़ा दे देते हैं वो भी खा लेते हैं। तो अच्छे दोनों चीज़ अच्छे बने हैं। बाय।